पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं, और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भूखमरी पे नहीं बोलते। कौन सी बातें, कहाँ की बातें जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी बातें वो कह रहे हैं। हम वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है इतिहास के जो बासी पन्ने हैं उसी में उनको बातें रखनी हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन वो बताएं ना, रोजगार पे क्यों नहीं बोलते, बेरोजगारी पे, कारखाने पे क्यों नहीं बोलते, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे। तो इन सारे मुद्दों पे उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके 15 साल में बिहार बदहाल क्यों हुआ, नीति आयोग के रिपोर्ट में क्यों सबसे फिसड्डी राज्य जो है वो बिहार है, इस पे उनको बोलना चाहिए। जेपी नड्डा कल जिस तरीके से कह रहे थे सभा में कि तेजस्वी यादव को खुले मन से माफी मांगनी चाहिए, क्यों आखिर पोस्टर्स बैनर में सिर्फ उनका ही चेहरा झलक रहा है, मतलब लालू यादव के फोटो न लगाने पर बोले। अब देखिए, हम तो इस पे कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने, हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन, ये लोग देखिए मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार, अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं, आपको कम से कम सेंट्रल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था। तो बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है, अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। नड्डा जी समय स्थल चुन ले, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर ले बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार करें।